हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स अनफोल्ड में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं धरती पे कुछ ऐसी अनोखी जगहों की जानकारी जिन्हें देख के आप दंग रह जाएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं ऐसी ही कुछ जगहों पे। सबसे पहले नंबर एक, स्पॉटेड लेक कनाडा। स्पॉटेड लेक कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हाईवे 3 के नजदीक स्थित एक खारे पानी की झील है। देखने में ये बहुत ही विचित्र और अनोखी है, क्योंकि गर्मियों में इसमें हजारों रंग बिरंगे स्पॉट्स उभर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल इस झील में बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट्स और 8 और अलग अलग मिनरल्स मौजूद हैं। गर्मियों में पानी सूखने लगता है और अलग अलग रंग के स्पॉट्स उभर आते हैं। ये झील ओकानेगन सी लेक्स लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती है, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरफ फेंस का निर्माण कराया है और विजिटर्स इसे दूर से ही देख सकते हैं। नंबर दो, तियानजी माउंटेन्स चाइना। चाइना में हुआन प्रोविंस के उत्तर पश्चिम में झांगजियाए नेशनल फॉरेस्ट पार्क में स्थित है तियानजी माउंटेन। तियानजी का अर्थ है सन ऑफ हेवन। ये पर्वत दरअसल बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस हैं और चारों तरफ हरियाली और धुंध से घिरे हैं। एक केबल कार से हुआंगशी विलेज तक पहुंचा जा सकता है, जहां के आगे कच्चे रस्तों पर ट्रैक करते हुए टूरिस्ट तियानजी माउंटेन के नजारों का मजा भी ले सकते हैं। तियानजी माउंटेन्स के व्यूइंग डेक्स तक जाने के लिए आप बायलोंग लिफ्ट से भी जा सकते हैं, जो कि एक ग्लास लिफ्ट है, और पार्क ऑफिशियल्स ये भी क्लेम करते हैं कि ये पूरे विश्व में अपनी तरह की सबसे ऊंची और तेज लिफ्ट है। आपको ये भी बता दें कि एवटार मूवी के फ्लोटिंग माउंटेन्स की इंस्पिरेशन भी इन्हीं तियानजी माउंटेन से ली गई थी। नंबर तीन, हैंड ऑफ द डेजर्ट चिली। चिलियन शिल्पकार मारियो इराजाबल ने बनाया है एक ऐसा आर्टवर्क जो आपको बिल्कुल ही चौंका देगा। ये रेत से उगता हुआ एक 11 मीटर ऊंचा हाथ है, जिसका नाम है मानो डेल डेजर्टियो, जिसे पॉपुलरली हैंड ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये चिली के अट्टाकामा रेगिस्तान में अंतोफगास्ता शहर में स्थित है। इसे 1980 के दशक में चिलियन लोगों के मानवाधिकारों की दयनीय दशा को दर्शाने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, जो जगह मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल ही अनोखी है। नंबर चार, फ्लाई गीजर यूएसए। गीजर ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स को कहा जाता है जो समय समय पे गर्म पानी और भाप के इरप्शंस करते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं ब्लैक रॉक डेजर्ट नेवादा यूएसए में, जहाँ 1964 में जब एक एनर्जी कंपनी ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया तो एक्सीडेंटली फ्लाई गीजर बन गया। जब ये गीजर इरप्ट करता है तो पानी और भाप के फुवारे 5 मीटर ऊंचे फाउंटेन्स बनाते हैं। इन फाउंटेन से निकलने वाले मिनरल्स आसपास जमा होते रहते हैं, लाल और हरे रंग की एल्गी की ग्रोथ से अनोखे रंग देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नंबर पांच, कैट आइलैंड जापान। दुनिया में मौजूद अजीबोगरीब जगहों में कैट आइलैंड का नाम जरूर आता है। इसे आओ आइलैंड भी कहा जाता है। जापान के ईस्ट कोस्ट से एक फेरी के जरिए ताशिरोजिमा पहुंचा जा सकता है, जहां सिर्फ 100 इंसान रहते हैं, पर आपको जान के बहुत ही अचंबा होगा कि यहां इससे कहीं ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। शुरुआत में यहां सिल्क बनाया जाता था, और क्योंकि सिल्क वर्म्स को चूहे खा जाते हैं, इसलिए यहां कैट्स पाली गई। लोकल मछुआरे इन्हें बहुत लकी मानते हैं। और तो और, टूरिस्ट के ठहरने के लिए यहां पर कैट शेप्ड किटी केबिन्स भी बनाए गए हैं। तो आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए ढेरों ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।